Braganza. Miss Braganza, hello, Mrs. Partley. Please welcome me and I'll see you later. I'm going for a party and I'm very busy right now. I'll see you later. Bye. Bye. Sorry, Mehndi. हेलो लवलीज, होप यू ऑल आर फाइन। एंड इसके बाद मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, पर गुड मॉर्निंग आज नहीं बोल सकती क्योंकि अभी 11:30 हो रहा है, वो भी रात के। आज पूरा दिन सिर्फ मैं अपनी वीडियो एडिट करने में लगी रही, उसके बाद फिर अपलोड करना था। पर जैसा कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा कहाँ हो सकता है, तो मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, नेट भी नहीं चल रहा था, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई। और अब हम एकदम फ्री हो गए हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी पैकिंग कर लूँ। पैकिंग से मैं आपको बता दूँ कि मैं घूमने जा रही हूँ। अब कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, या पूरा ब्लॉग देखो, उसमें आपको पता चलेगा। और हाँ, ऐसा मत करना कि आप एकदम एंड पे जाके स्किप कर दो ये देखने के लिए कि मैं कहाँ गई हूँ। पूरी देखना एंड तक, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी फ़िलहाल हमारी काफ़ी सारी पैकिंग हो चुकी है, मैंने अपने काफ़ी कपड़े रख लिए हैं, पर बस एक बार चेक करना है और 2-3 सामान और रखने हैं। तो जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं, कल हमें निकलना है, कल हमारी ट्रेन है। हमें मतलब हमारे पास ना काफ़ी लगेज है, दैट्स व्हाई वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अ ट्रेन। बट ट्रेन के सफ़र का अपना ही अलग मज़ा है। जैसे मैं एक्साइटेड हूँ जाने के लिए और मिलने के लिए, आप लोग भी एक्साइटेड रहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किससे मिल रही हूँ। तो चलो अब जो थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है ना, वो भी पैक कर लेते हैं। ये रही हमारी गिफ्ट केस, और अब देखते हैं कि हमने क्या क्या रख लिया है और क्या क्या रखना बाकी है अभी। यहाँ का तो पैक हो चुका है, हम इस साइड का तो पूरा पैक कर चुके हैं, इसमें भी कपड़े वगैरह हैं। और इस साइड ना मेरे सारे बॉटम्स हैं, जीन्स एंड जेगिंग्स वगैरह। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक जैकेट रखी हुई है, यहाँ पे अंदर मेरे सारे टॉप रखे हुए हैं, ये जगह मैंने छोड़ी हुई है अपने फुटवेयर रखने के लिए। ये रहे हमारे जॉगर्स, और ये भी मैंने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से ही मंगाए हैं। तो आई हैव बाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर। इसके लिए आई थॉट कि मुझे ना एक ऐसे सेपरेट हॉल वीडियो बना देनी चाहिए उसकी। तो इन सब के बारे में मैंने क्या क्या खरीदा है ना, सब अच्छे से आपको दिख जाएगा उस वीडियो में। तो इस ब्लॉग के बाद ना अगली वही वीडियो आने वाली है। तो हमने ये भी रख लिया, और क्या है, या ऑल्सो लेट मी शो यू माई पर्स, जो कि इसमें मैंने कुछ नहीं रखा है अभी, खैर फिलहाल तो। बट हाँ, मुझे उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें रखनी है, तो वो भी अभी रख लेते हैं। ये रहा हमारा पर्स, आपने देखा ही होगा ना, ये जो मैंने प्री बर्थडे प्रिपरेशन वाला ब्लॉग डाला था ना, उसमें मैंने आपको ये अपना दिखाया था, जिसमें मैंने अपना पूरा बर्थडे आउटफिट दिखाया था, उसमें मैंने अपना पर्स दिखाया था। अगर नहीं देखा है ना, तो आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, तो देखना जाके ज़रूर, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें रखनी थी ना, वो मैंने निकाल ली हैं, जैसे कि बहुत थोड़ा सा, एकदम ना के बराबर मेकअप रखा है, सिर्फ अपना एक फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर और लिपस्टिक बस। ये सब कुछ, एंड आई एम डन विद माई पैकिंग। अब अगर मुझे कुछ और याद आएगा ना, तो मैं वो कल रख लूँगी। तो चलो मैं भी जा रही हूँ सोने, आप सब भी सो जाओ, अगले दिन मिलते हैं। The next day. Good morning, hello. और आज ना एकदम ऐसे hectic, एकदम busy दिन जा रहा है। अभी just मैं एकदम आपको लग रहा हूँ एकदम makeup वाला मुँह, क्योंकि अभी एक video बना के आई हूँ, जो कि मैंने ऐसे ना spare video में रख लिया है, ताकि अगर मैं कहीं घूमूँ मैं वही video upload कर दूँगी। And now अभी ना सिर्फ अभी 3:00 हो रहा है, एंड हमको 4:30 या 5 बजे के लगभग हम निकल जाएंगे घर से। तो अब सिर्फ 1-1.5 घंटा रह गया है, और ना जो मैंने पैक किए थे वो मुझे उसी वीडियो के लिए निकालने पड़े, तो फिर से हमको ना वो कपड़े पैक करने पड़ेंगे, और फिर और जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, जैसे इनर वेयर रह गए हैं, ये सारी चीज़ें रख लेते हैं जल्दी से। इनर वेयर से याद आया, ब्रशेस वगैरह भी रखने हैं अभी। जल्दी से ये मेकअप हटाते हैं, एंड देन कम लग जाते हैं काम में। हमने अपनी पैकिंग कर ली है ना, बस जल्दी से अब ऐसे मेकअप वाला मुंह तो फोटोकॉपी वाली दुकान पे लेके जाएंगे नहीं, तो जल्दी से अपना मेकअप हटा लेते हैं। और मुझे ना ऐसे बस वीडियो के लिए मैं मेकअप करती हूँ, वरना ऐसे ज़्यादा मेकअप करना अच्छा लगता भी नहीं है मुझे। वी आर ऑल सेट टू गो, बस जल्दी जल्दी अपना सामान नीचे रख लेते हैं। दादी, अपनी बेटी के पास जाने की क्या, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी, बेटी के पास जा रहे की बहुत।
सब बात कर रहे हैं यार, इतनी तेज आवाज हो रही है और मुझे खुद बोलने में ना काफी ऐसे अजीब लग रहा है कि इतने सारे लोग हैं। ज़ूम करके मेरा चेहरा दिख रहा होगा, पर मैं अपनी सीट पे एकदम अपर बर्थ पे आ चुकी हूँ और मैंने चटर पटर खाना चालू कर दिया है। मेरे साथ का कोई भी नहीं है यहाँ पे, मैं अकेले एकदम अपना मूवीज और खाना आना खाऊंगी बैठ के। गुड मॉर्निंग यार, ट्रेन में तो कितने बार गुड मॉर्निंग होती है, ये मेरी असली वाली गुड मॉर्निंग नहीं है। हम लोग उठ चुके हैं और खाना खा चुके हैं, एकदम फ्रेश हो चुके हैं, फिर से हमें एक नींद मार चुके हैं, पर अभी ना हम सूरत पहुंचने वाले थोड़ी देर में, अभी मतलब एक डेढ़ घंटा है पहुंचने वाले। ठीक है, मैं बस यहाँ यही बताने आई थी कि हम बस पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। सरप्राइज आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मैं अपनी बुआ के यहाँ पे आई हुई हूँ, आप लोग की प्यारी दो तिवारी सिस्टर। मुझे ऐसे पता फॉर्मली तिवारी सिस्टर बोलने में बड़ा अजीब लगता है। जानू दीदी, गोपू दीदी और झलू, हाँ यही चलता है, झलू कॉलर, झलू तमन्ना दुबे आपकी जो है वो हमारी झलू है। मेरा घर का नाम झलक है तो मुझे कभी झलू कभी झलकू ऐसे ही बुलाते हैं यहाँ पे ऐसे। और मतलब मुझे ना सब लोग पूछते, मतलब ज्यादा तो नहीं है और सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, इसी बात पे प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। यस यू शुड। पूछ रहे थे कि आप लोग का क्या रिलेशन है, आप कौन लगते हो, तो फिर आप लोग किस बात के सब्सक्राइबर्स हो, किस बात के फैन हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, मतलब मुझे और दादी को इन सबको आप देखते तो हो ना, हमारे मामा की बेटी है और जो इनकी नानी है वो मेरी दादी है, तो आप उससे रिलेशन बिठा लो। हाँ, एग्जाम में आता ना ब्लड रिलेशन, ये वो वाला इक्वल टू बी की बहन, ये हम वो खेल रहे हैं। और मैं और झलक बहुत ज्यादा सेम एज के हैं, ये जिस मुझसे एक महीने बड़ी है बट फिर भी मुझे दीदी बुला। नहीं, आप मेरे से सिर्फ 3 months बड़े, और मैं इन दोनों से 4 साल छोटी हूँ, सो इसीलिए मैं इनको दीदी बुलाती हूँ। ये भगवान है, मैं 4 साल बड़ी है। सो ये था हमारा पूरा रिलेशन, आपको समझ आ गया हमारा खानदान, मेरे पापा, इनकी बहन और मेरे चाचा, सब तीनों भाई बहन है। या नाइस गुड, यू आर मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये मेरे मामा की बेटी है। झलक कानपुर से आई है और हम इसको बहुत अलग चीज बना के खिला रहे हैं, जो वहाँ कानपुर में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सच्ची मिलती है, मतलब एकदम हम लोग से तो अच्छी बन के आई है ना। प्लीज तिवारी सिस्टर्स के बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इनका घर इनके वीडियो से पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तू स्पेगेटी बना, हां मत रंग ले लो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पर हम लोग के पैर सच्ची देखो, इसमें से अपने पैर आप साइज करो कितने बड़े आ रहे, चप्पल देखो और पैर देखो। ओके गाइस, व्लॉग में व्लॉग होगा। ओके गाइस, व्लॉग में व्लॉग होगा। ओके गाइस, ओके लेट्स, ओके गाइस, हमने सोचा ये कट की सवाल अलग करते हैं, सो वी आर मेकिंग रियल बिहाइंड द सीन्स हो रहे हैं। स्पेगेटी, स्पेगेटी लाइट ऑन करेंगे। ओ और कानपुर में सिर्फ मम्मी मिलती है। मामी, ये एनुअल फंक्शन ही हो रहा है, पहले तो करेगी 1 2 3। अभी हम ना इससे पहले अपनी अतरंगी रे देख रहे थे, मूवी देख रहे थे, पर इनके भाई बड़े लोगों के घर अभी सेट हो रहे थे ना, सोफे वगैरह सेट हो रहे थे, तो सब बिजी हो गए थे,
इसीलिए बस हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और वो उधर, अच्छा मम्मी है, दीदी दिख नहीं रही है उधर पे, एंड दीदी हमारी, हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, एंड वहाँ पे दीदी हमारी स्पेगेटी बना रही, स्पेगेटी बना रही है, तब तक लेट्स एंजॉय, हाँ रिज्यूम करना, लाइट्स ऑफ, So guys, this is the real behind this. Lo. Actually, spaghetti डाला भूल गई. Nice. So the celebration of our New Year begins. With some spaghetti and the brown daughter, aka Janvi Tiwari. Nahi yaar, Janu di. Very happy new year to all of you. And also, good morning. It's the next day and aaj new year hai. Aur main ekdam aise bhoot bani hui hu abhi, kyunki just abhi bed se uthi hui hu main. Niche sab log uth gaye hain nashte ke liye mujhe. Haan, Ari. देखा जैसे जानवी दीदी का बुलावा आ गया मेरे को, सब लोग नीचे आ गए तो हम भी जल्दी से ना ब्रश कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और जल्दी से नीचे जाते हैं. हाँ जी, तो एकदम नाश्ता वाश्ता करके मैं एकदम राजा बाबू तैयार हो गई हूँ एकदम अच्छे से. अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है क्योंकि अभी गोपाल दीदी ना बाहर गए हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, और घर पे भी ना भाई शिफ्टिंग का काम चल रहा है जैसे आप सबको पता ही है. शाम को हम अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, बाहर जाएंगे डिनर पे और एक जगह और जाएंगे. अभी खाना खा लेते हैं चल के, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम घूमने जाएंगे. सो मीट द किम कार्डशियन, हमारे घर की किम कार्डशियन. बस आपको एक वो मास्क और लगा लेने का, पूरा ब्लैक कलर का, पूरा दे दो काले कलर. आई एम सॉरी, मैं इतनी बुरी तरीके से हंस रही हूँ, सॉरी. किम कार्डशियन लुक गाइस, यस, एंड आल्सो मीट द मिस ब्रिगेंजा. मिस ब्रिगेंजा, हेलो मिसेस पार्टली, please welcome me and I'll see you later. I'm going for a party and I'm very busy right now. I'll see you later. Bye. Bye. I'll serve. Overacting and drama hamare andar. Koot koot ke bada hai. हम ये ना 2 साल की उम्र से करते हैं, ठीक है. आप अभी देख रहे हो YouTube पे, बहुत ज्यादा है. हम लोगों का फेवरेट होता था घर घर खेलना, फैशन शो खेलना. सच्ची में हम छत पे होते थे और ऐसे ना ईंटों से अपनी स्टेयर्स बना लेते थे. भाई यूज्ड टू बी वेरी वेरी फनी एंड ऑल. अभी भी ड्रामा कम नहीं हुआ झलक का? ड्रामा कम नहीं होना चाहिए जिंदगी में. सही बात, यस, बिकॉज इफ द ड्रामा डिक्रीजेस the happiness of your life will also decrease, babe. Wow. I'll cut this. Thoda sa isse boring laga. Okay, bye. A few moments later. जहाँ जा रहे थे ना पहले, वहाँ का प्लान कैंसिल हो गया. दादी भी एकदम तैयार हो गई है. एक्साइटेड हो दादी न्यू ईयर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. न्यू ईयर चल लेगा अब आपके लिए, वो आपके लिए भी सरप्राइज है. तो मुझे तो बता दो. अरे मतलब ऐसे गेम्स फन सिटी टाइप का है जहाँ पे ना ऐसे गेम्स खेलते हैं. आप खेलोगी? नहीं? अरे ट्राई करना ना. अरे नहीं बाबा, हम नहीं खेलते. कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें ना बंद हो गई हैं, तो वी डिसाइडेड टू गो वूप. वहाँ जाएंगे, सब लोग आ जाएं. इतने सारे लोग हैं ना कि हम लोग को ना 2 कार्स लेके जानी पड़ रही हैं. 10-11 लोग. हाँ वही तो, 10-11 लोग हैं. वी कांट फिट इन 1 कार, तो हम इसलिए 2 कार्स लेके जा रहे हैं. सब लोग आ जाएं, हम सबका वेट ही कर रहे हैं. So we have reached Whoop. We are going to trampoline park. या फिर सिर्फ bowling. We'll figure it out. But the vibe is nice. और बाकी सब लोग कहाँ हैं? ये बैठे हैं. हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे. बाकी वो देखो सब लोग बैठ गए हैं. सब लोग बैठे वहाँ पे. हेलो. हाय. हाय मैडम. और कुछ नहीं लिया तूने? अभी कुछ नहीं लिया. Yeah, I'm
दीदी अपनी कॉफी के साथ तैयार है। हाँ, cause you need it after so much of panicking, so much of difficult to get a family out. फाइनली हमारा टाइम आ गया है, डेढ़ घंटे वेट करने के बाद। अब पापा यू नीड टू बकअप, हाँ यू आप अब आपको बकअप होना पड़ेगा, अच्छे से करो मामा, बजरंगबली की जय, जोर से मारो ये, अरे लो चलो फाइनली खत्म हुआ, पर अगले बार जरूर आएंगे हम लोग, वापस जल्दी आएंगे क्योंकि बहुत सारी गेम्स खेलेंगे। एंड हु इज द लूजर, कौन, हु इज द लूजर, आई डोंट नो हु इज द लूजर। हाँ मैं ही लूज़र थी, पता फर्स्ट और सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक मैंने काफ़ी अच्छा खेला, मतलब पहली बार के हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छा खेला, पर उसके बाद भाई जा ही नहीं रही थी, मतलब आगे तक ना एकदम सीधी सीधी जाएगी और बस एंड पे जाके वो एकदम टेढ़ी हो जाएगी। वो पता है वो बॉल नहीं चाहती थी कि मैं जीतूँ, बस ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अच्छा खेला था, पर ठीक है जो भी था, आई सेलिब्रेटेड माई न्यू ईयर वेरी वेल एंड आई होप सो कि आप सबने भी बहुत अच्छे से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा। ऑल्सो मे दिस ईयर ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ एंड या हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस व्लॉग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल डाउन देयर एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय।